साशा, ये पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। अच्छा, अब मेरे रॉकेट को पकड़ के दिखाओ। अरे अरे, अरे नहीं। तुम्हें तो अभी सबक सिखाती हूँ। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? माँ, देखो ना, शाइनी ने मुझे गिरा दिया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं माँ, साशा तो खुद से गिरी, ऐसे धड़ाम। माँ, आप भी शाइनी के ही टीम में हो? मैं किसी की टीम में नहीं हूँ, लेकिन चलो अब हम सब एक टीम बनकर इस बिखरे हुए घर को ठीक करते हैं। लेकिन माँ, हम तो बच्चे हैं, हम कैसे ये इतना सारा काम करेंगे? अब तो तुम्हें आलसी गुलाब की कहानी सुननी ही पड़ेगी। ये कहानी सुनेंगे, सुनेंगे। एक समय की बात है, दो घर थे जिनके आंगन में अगल बगल में दो छोटे बगीचे थे। एक बगीचा बहुत ही साफ और सुंदर था, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत गुलाब रहता था। इस बगीचे का मालिक अपने फूलों का और बगीचे का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। और दूसरा बगीचा सूरजमुखी के फूलों का था। ये बगीचा वैसे तो ठीक था, लेकिन इसका मालिक इस बगीचे का ज्यादा ख्याल नहीं रखता था। एक दिन गुलाब के फूल ने सूरजमुखी के फूल से कहा, तुम्हारा मालिक तुम्हारे बगीचे का ख्याल क्यों नहीं रखता? वो ख्याल तो रखते हैं, लेकिन वो हमें हमारी जिंदगी खुद से जीने देते हैं। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे ही बोलोगे ना, जो भी हो है तो वो तुम्हारा मालिक ही। गुलाब के फूल की बातें सुन सूरजमुखी का फूल उदास हो गया। उस रात वहाँ काले बादलों ने डेरा डाला, तेज हवाएं चलने लगी और फिर आंधी तूफान ने बगीचे की ओर अपना रुख मोड़ा। बचाओ, हमें कोई बचाओ, बचाओ, हमें कोई बचाओ। भाइयों, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर रखो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बचाओ, बचाओ, बचाओ। जब तूफान रुका तो गुलाब के बगीचे का हाल खराब हो चुका था। गुलाब का फूल जड़ से उखड़ चुका था और वहीं सूरजमुखी के फूल सिर्फ थोड़े थोड़े ही जख्मी थे। ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही क्यों? हमारा मालिक हमारी ज्यादा देखभाल नहीं करता था, उसने हमारी मुश्किलों का खुद सामना करने दिया, इसीलिए हमने अपनी जड़ों को जमीन में और मजबूत बना लिया था। यही कारण था कि हम जड़ से अलग नहीं हुए और तुम सभी गुलाब जड़ से अलग हो गए। मैं खुश हूँ कि हमारे मालिक ने हमें अपना भार खुद संभालने दिया। तो क्योंकि सूरजमुखी बचपन से ही अपना ख्याल खुद रख रहे थे, वो मुश्किल का सामना कर पाए। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि माँ, हमें भी अपना सारा काम खुद ही करना चाहिए। और इससे हम भी सूरजमुखी की तरह मजबूत बनेंगे। चलो अब हम दोनों इस पूरे कमरे को साफ करते हैं।
ये रोजेस तो बहुत सुंदर है, एक बार छू लूं इन्हें, बस एक बार। नहीं साशा, रुको। मुझे देखने दो, दिखाओ मुझे क्या हुआ। क्या हुआ साशा? कोई बात नहीं साशा, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी खरोंच है। और तुम तो बहुत बहादुर हो ना, ऐसे छोटी छोटी चीजों पर रोते नहीं है। चलो अब हंस दो, हंसो। लेकिन इन रोजेस पर ये गंदे से कांटे क्यों हैं माँ? मैं बहुत गुस्सा हूँ, इतनी सुंदर चीज को बेकार कर दिया। ये कांटे भी किसी वजह से हैं साशा, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्या वजह है? ठीक है, अच्छा होगा मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। ये कहानी सुनेंगे। एक बार पार्क में एक गुलाब की झाड़ी थी, बिल्कुल इसके जैसी। वो बहुत खूबसूरत पौधा था, उसकी अलग अलग टहनी पर बहुत सारे गुलाब लगे थे। जो भी पार्क में आता था वो उसकी तारीफ करता, लेकिन कांटों की वजह से कोई फूलों को छूने की हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन उनमें से एक गुलाब अपने कांटों की वजह से खुश नहीं था। ओह, मुझे ये कांटे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें सच में कांटे पसंद नहीं? बिल्कुल, मेरी हर चीज कितनी अच्छी है, लेकिन ये कांटे बहुत ही भद्दे हैं। काश कि मैं इन्हें हटा पाता। अगर ये बात है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? एक चूहा मेरा दोस्त है, अगर मैं उसे बुलाऊंगी तो वो आकर तुम्हारे सारे कांटे हटा देगा। क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत ही बेवकूफाना बात है, तुम सच में ऐसा करोगे क्या भाई? करूँगा, और तुम चुप रहो। भाई तितली, तुम जाओ और अपने दोस्त को बुला लाओ। तो चूहा आया और उसने सारे कांटे साफ कर दिए। कुछ घंटों में ही गुलाब की टहनी एकदम मुलायम कर दी गई। लेकिन तभी मधुमक्खियों का एक झुंड उस पार्क में आया। उन्होंने उन सभी पौधों के फूलों का रस पी लिया। तभी एक मधुमक्खी को गुलाब का पौधा दिखाई दिया। वहाँ मत जाओ बेटा, वो गुलाब का पौधा कांटों से भरा है। लेकिन ये तो बहुत सुंदर फूल है, इसका रस भी बहुत मीठा होगा। लेकिन कांटे तुम्हें मार देंगे। पर मुझे एक बार देखने तो दो। वाह, यहाँ एक गुलाब है जिस पर कांटे नहीं है। आ जाओ सब लोग। जल्द ही बाकी सभी मधुमक्खियाँ भी उस गुलाब पर आ गई। नहीं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, दूर हटो। इस तरह बेचारा वो गुलाब नहीं बचा। ऐसा ही होता है मेरे बच्चों, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें पसंद नहीं, लेकिन भगवान उन्हें किसी वजह से ही बनाते हैं। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। अब मुझे समझ आया कि रोज पर कांटे क्यों हैं। शुक्रिया प्यारे कांटो, मेरे प्यारे से रोज को बचाने के लिए। आज पार्क में एक लंबा दिन था, लेकिन ये मजेदार था, सही ना बच्चों? हाँ पा, और सबसे ज्यादा मजा तो तब आया जब साशा झूले से नीचे गिरी। वो इस तरह गई, आ आ, मुझे पकड़ो शाइनी, मुझे पकड़ो शाइनी। तुम? और तुमने कुत्ते से डरते हुए क्या किया? कुत्ता कुत्ता, चले जाओ कुत्ते, चले जाओ कुत्ते। पर तुम्हारा तो ज्यादा मजेदार था। नहीं, तुम्हारा ज्यादा मजेदार था। बच्चों बच्चों। नहीं पा, शाइनी बहुत बुरा है, वो हमेशा मुझे तंग करता है। तुम ऐसी चीजें करती क्यों हो जिससे मैं तुम्हें चिढ़ा सकूं? तुम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं शाइनी, क्या तुम्हें चोट लगी है? आह, क्या मैं अभी भी भारत में हूँ? जैसी को तैसी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पा, लेकिन लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओ ठीक है,
अच्छा है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी है। बुरे लोग केले के छिलकों को सड़क पर ही फेंक दिया। देखो वहाँ पर एक मोची है, हम तुम्हारी चप्पल को तुरंत ठीक करवा देते हैं। अरे दोस्त, क्या तुम ये चप्पल ठीक कर दोगे? हाँ जरूर। ये लीजिए, बिल्कुल नई की तरह हो गई। कुल 20 रुपए हुए। क्या आप ठीक हैं सर? हाँ बच्चों, लेकिन मेरी चप्पल टूट गई है। ओह, इसकी चिंता मत कीजिए, वहाँ एक मोची है। ओह अच्छा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, लेकिन पहले मैं इस केले के छिलके को फेंक दूँ। अरे साशा, केले का छिलका फिर से उसी जगह पर कैसे आ गया? अजीब है। हाँ कुछ गड़बड़ है, चलो छुपकर देखते हैं। तो ये उसकी चाल है, वो केले के छिलके को वहीं रखता है। जब लोग इस पर चलकर गिरते हैं तो उनकी चप्पल टूट जाती है। और क्योंकि वो यहाँ एकमात्र मोची है, इसलिए उसे ग्राहक मिल जाते हैं। क्या विचार है सर जी। लेकिन अब हम उसे मजाक करने की अनुमति नहीं दे सकते। हाँ ये धोखा है। शायद हमें उसे अब सबक सिखाना ही होगा, क्या कहती हो? हाँ हाँ। कितना अच्छा दिन था आज का, अच्छे पैसे भी कमाया। मुझे ये नौकरी बहुत पसंद है। और अब घर जाना है और एक स्मैकिंग डिनर और अच्छी सी नींद मिलेगी। ठीक है, मुझे सब कुछ पैक करने दो और फिर मैं चलता हूँ। और मुझे अपने प्रिय केले के छिलके को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए। प्रिय छिलका, आज आपने मुझे जो भी व्यवसाय दिया है उसके लिए धन्यवाद। तो आपको ये कैसा लगा, अपने खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिरना? तुमने केले के छिलके को सड़क पर रख दिया? हाँ, जैसे आप दूसरों के लिए रखते हैं। तुम शैतान बच्चे, रुक रुक, मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। वहीं रुक जाओ, हम सभी ने देखा कि तुमने क्या किया, इन बच्चों ने हमें बताया। तुम धोखेबाज? हाँ तुम बड़े धोखेबाज हो। तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे और सड़क पर छिलका भी फेंका। सॉरी सॉरी सर, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मैं नहीं नहीं नहीं। ये एक अच्छा रोमांच था। हाँ हाँ, एक और धोखेबाज ने आज अपना सबक सीखा। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।